महाराष्ट्र से जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाने के दावे से पीछे हटने के बाद में अब शिवसेना की बैठक शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर के हलचल तेज है और ये महत्वपूर्ण बैठक संजय राउत और उद्धव ठाकरे जिसमें मौजूद हैं, शिवसेना अब क्या फैसला लेने जा रही है, क्या एनसीपी और कांग्रेस के साथ में मिलकर के अब शिवसेना सरकार बनाएगी। हालांकि इस बैठक में जाते वक्त जब संजय राउत से आरलाइन टीवी ने बात की तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा और ऐसे में ये बैठक कितनी देर तक चलती है, बैठक के बाद में ताजा अपडेट के साथ में आपके साथ फिर से वापस लौटेंगे। मगर आज की जो सबसे बड़ी दो खबरें वो ये कि महाराष्ट्र में कल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते न्योता दिया था, जिसे आज भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल से मिलकर के सरकार बनाने में खुद को सक्षम ना बता पाने की वजह से या फिर बहुमत का आंकड़ा अकेले सिंगल पार्टी होने की वजह से नहीं होने की वजह से पीछे हट गई बीजेपी, यानी कि अब सरकार बीजेपी नहीं बना रही है। मगर संजय राउत और उद्धव ठाकरे जो कि इस बैठक में मौजूद हैं और क्या कहा इस बैठक में जाते हुए, आइए सुन लेते हैं कि संजय राउत ने क्या कहा इस बैठक में जाते वक्त और शिवसेना क्या करना चाहती है। शिवसेना सरकार बनाएगी, शिवसेना सरकार बनाएगी, लाइट फ्रेम लाइट फ्रेम, शिवसेना सरकार बनाएगी। देखो मैं एक लाइन में आपको बताता हूँ, आज ही दोपहर को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने एक बात स्पष्ट कही है कि मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में शिवसेना का होगा। मैं कहता हूं अगर उद्धव जी ने कहा है मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा, उसका मतलब है हम किसी भी कीमत पर राज्य को शिवसेना का मुख्यमंत्री।